पापा की कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं नया बाज़ार घर का सामान लेने गया था। तो वहाँ पर पुलिस वालों की जीप आई, उनमें से पुलिस वाले 4-5 पुलिस वालों ने मिलके हमको मारा। हमने उन्हें बिल भी दिखाया, हाथ में सामान था वो भी दिखा रहे थे, उन्होंने बिना सोचे समझे हम पे मारा। जी, और काई मेरे से मारा इधर, आपको? काई हाँ, से मारा? डंडों से और गन्ने के डंडों से। जी, और ये मेरे छोटे भाई को भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और सड़क पे लोटपोट किया। आपने बिल नहीं दिखाया था उनको कि सामान लेके आ रहे हैं? हम बिल दिखा रहे थे तो उन्होंने हाथ पे भी मारा और यहाँ पे नीचे घुटनों के इधर भी मारा। आप क्या गाड़ी पे थे? नहीं, पैदल थे। पैदल गए थे? आपका नाम बता दो। विजय शर्मा, ये कहाँ घटना की कहाँ घटना की है है? ये? नया बाजार चोपड़, आपका रहता है? आपका सौदागर रहता है? मोहल्ला, उतार घसेटी, अजमेर। हेलो जी भैया। जी, क्या घटना हुई? जी, आज सुबह लगभग 9:30 बजे जब बच्चे का फ़ोन आया, जब मुझे नींद से उठाया, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज है। मैंने ECG भी कराई और डॉक्टर मणिराम कुमार जी की मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो देखते हुए मिसेज ने उनको बच्चों को कोई आवश्यक सामग्री लेने बच्चों को घर से भेजा। तो जब बच्चों का फ़ोन आया कि उनको नया बाज़ार में पुलिस वालों द्वारा बहुत बुरी तरह से मारा गया, तो मैंने मेरे छोटे भाई और पड़ोसी से रिक्वेस्ट करके उन बच्चों को खजाना गली से घर बुलवाया। और जब देखा तो वास्तव में इतना बर्बरतापूर्ण मारा गया कि उनके नीले छपरी थी, और बच्चे भी मेरे छोटे ही हैं, कोई ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं। पुलिस का जो रवैया है वो समझ में नहीं आया, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए या हमारे को मारने के लिए। लॉकडाउन है, मान लिया कि अजमेर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन सिर्फ व्यक्ति विशेष जनता पे है या उन दुकानों पे भी है? अगर दुकान खुली नहीं होती तो मेरे बच्चे नहीं जाते। अब मेरे बच्चे गए हैं सामान लेने, जबकि वो कोई व्हीकल पे नहीं थे, कोई उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था। वो दोनों छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा, मेरे बच्चों के हाथ में थैला था, बिल थे, उसके बावजूद मेरे बच्चों के साथ पुलिस द्वारा जो बर्बरता हुई है वो निंदनीय है। आपने और शिकायत करी? इसकी शिकायत मैंने व्हाट्सएप द्वारा श्री हमारे राष्ट्रदीप कुंवर जी जी हैं, SP साहब, उनके पास भी मैंने व्हाट्सएप द्वारा की है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। बोलो कि मैं जो है इसकी शिकायत हमारे जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनसे भी। मैं अब आपके माध्यम से भी SP साहब से पुनः शिकायत करता हूं, और इसकी शिकायत मैं बहुत जल्दी, मैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, मेरे जो अध्यक्ष हैं श्री विजय जैन जी, उनसे भी बहुत जल्दी ये शिकायत करूंगा अभी फ़ोन द्वारा।